सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स एडजेक्टिव आर द वर्ड विच टेल और डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मैंने बोला मोहन बहुत इंटेलिजेंट है। अब मोहन कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है। मोहन की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट बता रहा है। तो जो इंटेलिजेंट हो गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। शी इज अ ब्यूटीफुल डॉल। वो कैसी डॉल है? वो ब्यूटीफुल डॉल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। मयंक ईट ग्रीन वेजिटेबल। जो मयंक है वो हरी सब्जियां खाता है। क्या सब्जियां खाता है? हरी सब्जियां खाता है। तो जो हरी हो गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, मैंने बोला आप सभी अच्छे बच्चे हो। आप कैसे बच्चे हो? अच्छे बच्चे हो। तो जो अच्छा है वो क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। मैंने बोला मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। अब मेरी मम्मी कैसी है? बहुत ज्यादा सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर एडजेक्टिव हो गया यानी विशेषण हो गया। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव है वो 4 काइंड के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा होता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, अच्छा बताओ एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 4 होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड देन होता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को क्या होता है? वो एडजेक्टिव, वो विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी यानी गुण को बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। मैंने बोला मेरी मम्मी सुंदर है। अब मेरी मम्मी कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? उनका गुण हो गया, तो वो हो गई उनकी क्वालिटी। ठीक है, मैंने बोला ये बिल्ली बिल्ली काली है। अब बिल्ली कैसी है? बिल्ली तो काली है, तो काली क्या हो गया? काली उस बिल्ली का गुण हो गया, उस बिल्ली की क्वालिटी हो गई। मीन्स जो ब्लैक है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई सो अ ब्लैक कैट। मैंने एक काली कैट देखी। कैसी कैट देखी? काली बिल्ली देखी। ठीक है, माई मदर कुक डिलीशियस फूड। मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। स्वादिष्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो एडजेक्टिव जो नंबर्स को दिखाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा नीतू के पास 4 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 4। तो 4, 5, मैनी, फ्यू, ये जो वर्ड्स है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब वो एडजेक्टिव, वो विशेषण जो संख्या को दिखाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। मैंने बोला मेरे पास 4 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 4। तो 4 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैंने कहा मेरे पास 4 घर हैं। कितने घर हैं? 4 घर। मेरे पास कुछ कलर हैं। कितने कलर हैं? कुछ। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो बहुत सारे क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। मेरे पास थोड़ा सा पानी है। कितना पानी है? थोड़ा, यानी सम। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ज्यादा शोर मत मचाओ, ज्यादा यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो संकेत करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं। मैंने क्या बोला ये मेरी पेंसिल है। ठीक है, दिस इज माई पेंसिल। तो दिस क्या हो? दिस इज माई पेंसिल। मैं इस पेंसिल को की तरफ संकेत करके बता रही हूँ कि ये पेंसिल मेरी है। ठीक है, तो दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर होता है
कंपैरेटिव डिग्री, फिर होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मतलब वो डिग्री जिसमें हम नॉर्मल में भी बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैं लंबी हूं, ये मिठाई बहुत अच्छी है, ठीक है, तो जिसमें हम नॉर्मल बात कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री वो डिग्री होता है जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं। मैंने बोला मैं अपनी बहन से लंबी हूँ, किससे लंबी हूँ, अपनी बहन से, तो यहाँ पे मेरी तुलना मेरी बहन से की जा रही है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हम दो लोगों की तुलना करते हैं, ठीक है, दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें हम बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन करते हैं। मैंने बोला मैं क्लास में सबसे ज्यादा लंबी, अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सब में सबसे लंबी कौन है, मैं हूं, तो वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए दोबारा से, पॉजिटिव डिग्री मतलब नॉर्मल में भी कोई बात बोली। मैंने बोला मोहन इज अ टॉल बॉय, मोहन जो है वो एक टॉल बॉय है, एक लंबा लड़का है। फिर कंपैरेटिव डिग्री में मैंने दो लोगों में कंपैरिजन किया, मैंने कहा मोहन इज टॉलर, मोहन जो है वो लंबा है, किससे, सोहन से। सुपरलेटिव डिग्री में मैंने क्या कहा, मैंने कहा मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन सबसे लंबा लड़का है अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। चलिए बच्चों इधर देखिए, आप कुछ तरीकों से पॉजिटिव जो डिग्री है उसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर कुछ वर्ड्स में हम ER, EST लगा के उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए रिच, हमने रिच में ER लगाया, इसे कंपैरेटिव बना दिया और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना दी। ग्रेट यानी महान, ER लगाया लास्ट में तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाया ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। यंग, ER लगाया ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, EST लगाया ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको रूल्स दिए हैं कि कैसे हम कंपैरेटिव को सुपरलेटिव, कैसे हम वर्ड्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला रूल तो मैंने बता दिया कि वर्ड्स के लास्ट में ER और EST लगा के हम उसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, वर्ड जो भी वर्ड जिन जो लास्ट में ई पे खत्म हो रहे हैं, यहाँ देखिए लार्ज लास्ट में कौन सा वर्ड है, ई है। सेवर, यहाँ पे लास्ट में वर्ड क्या है, ई है। नाइस, लास्ट में कौन सा वर्ड है, लेटर है, ई है। तो वो वर्ड जिनके लास्ट में ई आता है उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में आर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री में ST लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए लार्ज लास्ट में कौन सा लेटर है, ई है, तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ER लगा दीजिए और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ST लगा दीजिए, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ देखिए वाइट लास्ट में क्या है, ई, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाऊंगी मैं, यहाँ पे R लगा दूंगी। सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दूंगी, ST लगा दूंगी, ठीक है। सेम तरीके से हम कुछ वर्ड के आगे मोर और मोस्ट लगा के उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लेवर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर। ऐसे ही बाकी वर्ड्स भी दिए हुए। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी पूरी जिनमें पूरा ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते। जैसे फार, फार का फार्दर, फारेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लिटल, लेस, लीस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। चलिए ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। क्या होता है बच्चों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। मैंने कहा मोहन इंटेलिजेंट लड़का है, तो मोहन कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव जो है वो 4 काइंड के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो क्वालिटी के बारे में बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो नंबर के बारे में बताता है, 4, 5, मैनी, फ्यू।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसमें हम क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में पता चलता है, लाइक सम, कुछ पैसे और थोड़ा पानी, ये सब क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें हम पॉइंट आउट करते हैं, दिस दैट दोज, ये सारे क्या होते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की तीन डिग्रियों के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब हम किसी के बारे में नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री मतलब जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री जब हम बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।